सिनेमा देखने वालों को रामनगर के विशाल चट्टानों याद होंगे जिसने पैसेज टू इंडिया और शोले जैसी फिल्मों के लिए एकदम सही माहौल था। डंडा पिछले चार दशकों ऐसी पीढ़िया शोले के निर्माण की दर्शकें सुनती आ रही है स्थानीय लोगों के लिए शोले की शूटिंग आज भी उनकी यादों में ताजा है इसमें कोई शक नहीं कि शोले ने रामनगर को विश्व प्रसिद्ध बना दिया है रामनगर जिसे सभी याद करते हैं कभी क्लोजपेट के नाम से जाना जाता था पहले टीपू सुल्तान के शासन के दौरान शहर को शमशेराबाद के नाम से जाना जाता था इस कड़ी में हम क्लोजपेट के अतीत में झांकेंगे टीपू सुल्तान और पूर्णिया का इस शहर से नाता 1799 में टीपू सुल्तान ने रामनगर किले को अपने हथियारों और गोला बारूद के भंडार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मजबूत किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई युद्धों के दौरान यह शहर एक बड़ा मजबूत गढ़ था तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू को उम्मीद थी कि लॉर्ड कॉर्नवालस श्रीरंगपट्टन पहुंचने के लिए रामनगर का रास्ता अपनाएंगे मैसूर साम्राज्य के गद्दारों ने लॉर्ड कॉन को महत्वपूर्ण जानकारी दी इसलिए ब्रिटिश सेना कनकपुरा के मार्ग से श्रीरंगपटना पहुंचे। पटना ऐतिहासिक दफन स्थलों और रामगिरी दुर्गा नामक किले के, के खंडहरों के कुछ निशान देखे जा सकते हैं एक साथ नौ नौ में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद माइसोर के दरबार में रहने वाले सर बेरी क्लोज के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बदलकर क्लोजपेट कर दिया गया दीवान पुर्नैया ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्लूजेट की स्थापना की पुरनैया ने यात्रियों के लिए सराय भी बनवाया फिलहाल सराय के कोई निशान नहीं मिले हैं यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में कोई कहानी याद नहीं है बैरी क्लोज आयलैंड में स्कूली शिक्षा के बाद एक, एक में एक में पंद्रह वर्षीय कैडेट के रूप में मद्रास सेना में शामिल हो गए जल्द ही वह एक में 20 विन बटालियन का सहायक बना दिए गए उन्होंने टेलीचेरी में हैदर अली के खिलाफ लड़ाई लड़ी जब बैरी अठारह दिसंबर एक को कप्तान बने तो उन्हें टीपू सुल्तान के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया गया उन्होंने सेरिंगपट्टम की घेराबंदी के दौरान मद्रास सेना के डिप्टी एडवटेंट जनरल के रूप में कार्य किया लोज को संधियों से निपटने के लिए मैसूर में तैनात किया गया था सर वेरी क्लोज माइसो और वोडेयर के दरबार के निवासी थे माइसो और गैजटी के अनुसार इस आशय का एक शिलालेख शहर के एक स्तंभ पर फारसी और कन्नड़ में है आज़ादी के बाद इस जगह का नाम बदलकर रामनगर कर दिया गया आज भी इसे शोले की भूमि के रूप में याद किया जाता है Stories you would haven't heard before, tales laden with historical facts and evidence. Historical moments that are not in regular books. An honest effort to bring forward the engaging stories to the viewers. Subscribe to this channel to see more such stories. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो